दमोह से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर हंगामा कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है, नियमितीकरण की मांग को लेकर यह हंगामा किया जा रहा है और मजदूरों को बंधक बनाया गया है। गेट पर ताले जड़े गए हैं। फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात किया गया है इस पूरे मौके पर। तो दमोह से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों का हंगामा। आपको बता दें, मजदूर नियमितीकरण की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं, वहीं मजदूरों को बंधक बनाया गया है और गेट पर ताले जड़े गए हैं। तो भारी पुलिस बल तैनात किया गया है इस पूरे मौके पर। दमोह से आपको खबर दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। जी संजय, सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों का हंगामा, क्या कुछ जानकारी? मैं आपको बता दूं, दमोह जिले में एकमात्र बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है मायसिन सीमेंट फैक्ट्री, जहां मजदूर लगभग 20 से 30 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनका नियमितीकरण नहीं हुआ। खास बात यह है, ये जो मजदूर जो हंगामा कर रहे हैं, इनकी जमीन पर फैक्ट्री बनी हुई है, जिनसे इकरारनामा भी है कि जब भी फैक्ट्री खुल जाएगी, इन्हें काम दिया जाएगा तो इन्हें नियमित किया जाएगा, लेकिन बरसों से फैक्ट्री संचालित है, आज तक नियमित नहीं किया गया। रोप वे बंद कर दिया गया, जिससे इनका जो प्लांट का काम है वह भी प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर काफी मात्रा पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिला पंचायत के जो उपाध्यक्ष हैं श्रीमती रामबाई, उनके नेतृत्व में यहाँ पर ये पूरा हंगामा चल रहा है। उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं, वो गेट से नहीं उठेंगी। फिलहाल फैक्ट्री प्रबंधन से मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें मनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और यहाँ भारी पुलिस बल तैनात। जी संजय, लेकिन बात सामने आ रही है कि मजदूरों को बंधक भी बनाया गया है और साथ ही गेट पर ताले भी जड़े गए हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि इसी यूनियन के कुछ सदस्य सुबह से अंदर गए थे बातचीत करने के लिए, जिन्हें बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जा रहा, गेट में ताला लगा दिया गया है। लगातार नारेबाजी जारी है, हंगामा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।